जानु सिरासन का यह अभ्यास, इसमें बाएं पैर को हम सीधा रखते हैं, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ देते हैं और दोनों हाथ से अंगूठा को पकड़ के सांस भरते हुए शरीर को सीधा करते हैं, सांस को छोड़ते हुए माथे को घुटना की ओर ले जाते हैं और दोनों केहनी को जमीन की ओर सटाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास, इसको 50 बार करिए, लगातार करिए। बहुत अच्छा शानदार अभ्यास चल रहा है, खूब सांस भरिए, सांस भरने में कोई कंजूसी मत करिए, लगातार अभ्यास करिए। आपका ध्यान रहे कैसे हम केहनी को मोड़ें, लगातार अभ्यास चलने दीजिए। बहुत सुंदर अभ्यास, और सटाइए केहनी को नीचे, और सटाइए माथे को, सटाइए माथा सटने लगे तो ठुड्डी को सटाने का प्रयास करिए, चेहरा आपका सामने से दिखेगा, ठीक है, तो ज़्यादा और पीठ सटेगा नीचे की ओर। बहुत अच्छा करिए, लगातार करिए, नॉन स्टॉप प्रोग्राम, जानु सिरासन का एक पैर से 50 बार का अभ्यास, लगातार अभ्यास करिए। अभ्यास में पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा होनी चाहिए। आपका प्रयास हो कि मेरा दोनों केहनी जमीन पर सट रहा है, माथा या ठुड्ढी घुटने की ओर जा रहा है। हर अभ्यास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस अभ्यास को कराने में आप सहयोग करो। लगातार कमर दर्द हो तो बीच बीच में आप मरकटासन का अभ्यास चल रहा है, बहुत अच्छा करिए लगातार। अब पैर को बदल लीजिए, दूसरे पैर से करिए, लेट के भी अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं आराम से, लेकिन ध्यान लगा हो सांसों के साथ और मन में सात्विक विचार चल रहा हो, प्रभु से बार बार यही प्रार्थना कि हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्धार करो, मेरे शरीर के अंदर जो व्याधियां हैं, रोग पड़े हैं, उनको दूर करो। लगातार करिए इस अभ्यास को, दूसरे पैर से 50 बार, 50 सेकंड बराबर 50 बार अभ्यास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि फास्ट करें तो एक सेकंड में दो बार हो जाता है, अप एंड डाउन केवल करना है। करिए लगातार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, लगे रहिए, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस, उनतीस, तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस, उनचालीस, चालीस, इकतालीस, बयालीस, लगे रहिए सांसों के साथ। अब इसका दूसरा अभ्यास करिए, हाँ, एक पैर से तलवे को पकड़िए उसी पैर हाथ से और कान को सटाइए, इसको 20 बार करिए लगातार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कान को सटाइए, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, लगातार करिए, उन्नीस, बीस, दूसरे पैर से इसको करिए, लगातार इस अभ्यास को करते रहिए। पैर बदल लीजिए, हाँ, बहुत शानदार अभ्यास, पूरा सटने दीजिए, आपका पूरा पंजरी पैर में सट जाएगा और माथा भी आपका सटेगा और दूसरा हाथ घुटने पर वो हाथ भी टाइट रहेगा, सीधा हो जाएगा। बहुत अच्छा, दोनों पैरों से भी ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, माथा सट, लगातार जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा अभ्यास होगा, थोड़ा थोड़ा करने से कभी भी लाभ नहीं मिलेगा आपको।